हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज सीखने वाले हैं हम कैसे चेक बॉक्सेस लगाने हैं अपने नेटबीन्स में जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से, और कैसे उनको रीडेबल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉपिंग कार्ट बनाया आपके सामने, स्क्रीन पर डेवलप किया। ये हमने डेवलप कैसे करना है ये सीखेंगे। इस बार इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये मान लो मार्केट में मोबाइल सेलेक्ट किया, लैपटॉप सेलेक्ट किया, ये दोनों मैं परचेज़ करना चाहता हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका प्राइस मुझे दिख रहा है 50,000। मान लो मुझे लैपटॉप नहीं, डेस्कटॉप परचेज करना, दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ तो इसका टोटल बना है 40,000। 25,000 का डेस्कटॉप है और 15,000 का मोबाइल है। तो मोबाइल के साथ साथ मुझे स्मार्ट वॉच भी चाहिए, तो इसका टोटल प्राइस बन गया 42,500। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ये शॉपिंग कार्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि चेक बॉक्सेस को कैसे रीड करना है आपने। तो शुरुआत करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं इसकी, कैसे बनाना ये सीखते हैं। तो नेटबीन्स में मैं पहले न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर लेता हूँ। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद मैवन ही शुरू करेंगे। जावा एप्लीकेशन के साथ ही चलना है आपने। उसके बाद मैवन प्रोजेक्ट 20 इसका नाम है, प्रोजेक्ट का नेम यही रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम है। उसके बाद ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, और इसके अंदर मैंने सोर्स में राइट क्लिक करके न्यू जे फ्रेम बनाना है। तो जे फ्रेम का नाम रख लेता हूँ माई जावा शॉपिंग कार्ट। तो एप्लीकेशन का नाम तैयार है, अपना जे फ्रेम तैयार है। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो जावा जे फ्रेम रेडी है, अभी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल करेक्ट है। और अब हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसके ऊपर जो बटन्स लगाने हैं, जो लेबल्स लगाने हैं, चेक बॉक्सेस लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं सीखने हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देना है, इसके लिए लेबल ले लेते हैं हम। लेबल का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लो, और इसके ऊपर जो भी लिखना चाहते हैं राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ शॉपिंग कार्ट। तो इसको आपने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो इसका जो आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, और इसका साइज़ 18 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ओके क्लोज। तो अपना शॉपिंग कार्ट का हेडिंग रेडी है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट चेक बॉक्सेस लगाने हैं। उसके लिए पहले हेडिंग दे देते हैं कि कहाँ पे आपने चेक बॉक्स लगाना और कहाँ पे उनका प्राइस मेंशन करना है। तो पहले लेबल ले लो आप। लेबल में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आइटम्स के नाम लिखेंगे इस साइड हम, आइटम्स, और इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके साइज पहले तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हम सेंटर कर लेते हैं, और इसका साइज़ बढ़ा के 14 कर देते हैं, हम बोल्ड कर दे ओके। तो क्लोज, ये आइटम का साइज़ है, रेडी है। यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे हम, एडिट टेस्ट करके आइटम नेम, यस। इसकी कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करना, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इस साइड लिखेंगे हम इसका प्राइस। एडिट टेस्ट करके आप लिख सकते हैं प्राइस। तो अब हमने चेक बॉक्सेस लगाने हैं, जो यूज़र सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन सी आइटम्स यूज़र परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए चेक बॉक्सेस लगाएंगे हम। सबसे पहले चेक बॉक्स अपना, इसको एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, इसके लिए हम मोबाइल के लिए चेक बॉक्स लगाना है, मोबाइल। तो ये अपना पहला, इसकी प्रॉपर्टी सेट करके इसका साइज़ 12 करते हैं, बोल्ड करते हैं, ओके। तो ये मोबाइल का चेक बॉक्स अपना रेडी है, और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। ये अपना एडिट टेस्ट करके, ये अपना है टैबलेट के लिए, टैबलेट, और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, और इसको एडिट टेक्स्ट। ये अपना लैपटॉप के लिए, और देन फिर से इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है, और ये डेस्कटॉप के लिए लेबल रखना हमने, इसका नाम देते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के स्पेलिंग में डबल पी नहीं है, यस। उसके बाद इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, और अब इसको नाम देते हैं हम स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच। तो ये अपना रेडी है, और एंड में हमने लेबल लगाना है टोटल के लिए, जो जो आइटम्स सेलेक्ट करेंगे उनके प्राइजेस के हिसाब से उनका कितना ओवरऑल टोटल बनता है, इसके लिए हम लेबल लगाना चाहते हैं। तो टोटल का लेबल
तैयार करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। प्रॉपर्टीज में जाके सेंटर लाइन और इसका फॉन्ट बोल्ड और 18, ओके क्लोज, ये टोटल रहेगा। और एंड में एक हमने बटन लगाना है जो जिस पे क्लिक करने के सारा टोटल प्राइस जो है कैलकुलेट होएगा, सभी आइटम्स का जो मिला के टोटल बनता है वो कैलकुलेट करना है कब होगा जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो बटन का नाम लिख देते हैं कैलकुलेट। और इस बटन की फॉर्मेटिंग करनी है, प्रॉपर्टीज में जाके इसका फॉन्ट साइज करना है बोल्ड और 18, ओके क्लोज। तो ऑलरेडी ये सेंटर में ही होता है। अब हमने लगाने हैं इनके सामने प्राइजेस। प्राइजेस के लिए लेबल लगा देते हैं अलग अलग। पहला लेबल हम लगाते हैं मोबाइल के लिए, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, इसमें हमने प्राइस मानो रखना है मोबाइल का 15,000 मोबाइल का प्राइस है। और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम चेंज कर देते हैं तो दैट इज सेंटर लाइन और फॉन्ट कर देते हैं हम 14 और बोल्ड ओके क्लोज। तो इसका डुप्लीकेट की बेटर है कि हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, कॉपी बना के पेस्ट करते हैं। और दूसरा टैबलेट के लिए और लैपटॉप के लिए ये, डेस्कटॉप के लिए और ये स्मार्ट वॉच के लिए प्राइस चेंज कर देते हैं। इसका प्राइस कर देते हैं हम, मान लो टैबलेट का प्राइस है 12,000 और लैपटॉप का प्राइस है सपोज 35,000 और डेस्कटॉप का सपोज प्राइस है 25,000 और स्मार्ट वॉच है मान लो 2,500 की, 2,500। तो प्राइसेस हमने सेट कर दिए हैं ऑलरेडी। ये चेक बॉक्सेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारे लिए ये लेबल लगाना, हमने यहाँ पे डिस्प्ले होगा ये लेबल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे टोटल डिस्प्ले होगा। टोटल के लिए एडिट टेक्स्ट करते हैं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं फिलहाल हम करवा रहे, जब क्लिक करेंगे कैलकुलेट बटन पे तब इसका टोटल प्रिंट करेंगे। यस, एडिट टेक्स्ट करके इस पर हमने कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना और ये बटन दो तीन बार लगा चुके हैं हम और यस ये सही है। इसकी पहले प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, इसको हम टेस्ट फील्ड में हमने देखना कुछ नहीं है फिलहाल, हम ब्लैंक कर देते हैं इसको और इसकी हम सेटिंग कर देते हैं इसका 18 और बोल्ड ओके और इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर क्लोज। तो हमारे लिए चेक बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये लेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टोटल प्राइस प्रिंट करना है। तो इन चेक बॉक्सेस का हम नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स नेम बाय डिफॉल्ट इसका नाम जे चेक बॉक्स 1 है, तो मैं इसका नाम चेंज करके दे देता हूँ मोबाइल। स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखिएगा, कैप्स स्मॉल का भी खास ध्यान है। इसका नाम दे देते हैं टैबलेट और इसका नाम दे देते हैं हम चेंज करके लैपटॉप। सभी वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दो, हमारे लिए ईजी रहेगा कि इसका नाम देते हैं डेस्कटॉप और ये लास्ट में स्मार्ट वॉच है। ध्यान रखिएगा वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, मैंने स्पेस नहीं दिया, W कैपिटल कर दिया, स्मार्ट वॉच कर दिया। और ये लेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देते हैं हम टोटल। तो वेरिएबल नेम्स चेंज करते हैं ताकि हमारे लिए कोडिंग में ईजी रहे, हमें मेमोराइज करना ईजी हो जाए कि कौन से लेबल पर हम वर्क कर रहे हैं। तो जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है इस बटन पे क्लिक करने पे करना है, तो राइट क्लिक करके इवेंट में जाके एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम बटन के अंदर आ गए हैं कि बटन में हमने कौन सी कोडिंग करनी है अभी। ये अपना बटन, इस बटन पे क्लिक करके हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, जो हमारे चेक बॉक्सेस हैं उनको रीड करना है। और पहले तो हमें एक वेरिएबल लेते हैं डबल डाटा टाइप का सम,
जिसमें टोटल सम करेंगे और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज इसको जीरो कर देते हैं। इफ जो हमारा मोबाइल का चेक बॉक्स है, मोबाइल का चेक बॉक्स है डॉट इज सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्टेड है देन इफ हमारा मोबाइल का जो चेक बॉक्स है, मोबाइल का चेक बॉक्स, मोबाइल हमने वेरिएबल का नाम चेंज करके मोबाइल रख दिया था, अगर वो चेक बॉक्स सिलेक्टेड है तो सम सम जो स्टार्टिंग में जीरो है उसमें जो जीरो प्लस 12,000 ऐड हो जाएंगे, मतलब 12,000 ऐड हो जाएंगे अगर चेक बॉक्स उसका सिलेक्टेड है, पहले से उसमें जीरो है और जीरो प्लस 12,000 हो जाएंगे। और नेक्स्ट में अगर मोबाइल के साथ टैबलेट भी सिलेक्टेड है तो जो वैल्यू सम में है वो तो है ही है, और प्लस ये मोबाइल की कॉस्ट हमने 15,000 रखी थी और इसमें 12,000 हमने ऐड कर देना है टैबलेट में, जो सम की ऑलरेडी वैल्यू है उसमें 12,000 और ऐड हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है सम सम प्लस 12,000, मतलब जो सम की ऑलरेडी वैल्यू है उसमें 12,000 और ऐड हो गया। उसके बाद अगर मोबाइल के साथ अपना लैप डेस्कटॉप भी सिलेक्टेड है देन उसमें हमने ऐड कर देना 25,000, डेस्कटॉप की कॉस्ट हमने 25,000 रखी थी। और उसके बाद टैबलेट के साथ डेस्कटॉप के साथ अगर अपना लैपटॉप भी सिलेक्टेड है तो हमने इसमें 35,000 ऐड कर देना, 35,000 हमने ऐड कर दिया 35,000। और एंड में अगर स्मार्ट वॉच भी सिलेक्टेड है, स्मार्ट वॉच में हमने एस एम ई स्पेस नहीं दी थी और डब्ल्यू कैपिटल रखा था तो इसमें 2,500 हमने ऐड कर देना। तो अब सम में वैल्यू आ जाएगी, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल सिलेक्टेड है, कौन सा चेकबॉक्स सिलेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। अब हमने उसको प्रिंट करवाना है, कहाँ पर प्रिंट करवाना है, जो टोटल का लेबल लगाया था हमने अभी स्टार्टिंग में, ये टोटल का लेबल लगाया था इसको सेट टेक्स्ट करना है, इसका नाम इस पर हमने प्राइस डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम करेंगे टोटल वेरिएबल का नाम हमने टोटल रखा था टोटल डॉट सेट टेस्ट। तो हमने क्या सेट टेस्ट करना है, सबसे पहले तो उसमें हमने रुपीस ये प्रिंट करवाना है, साथ में कॉन्केटिनेट कर देते हैं वैल्यू ऑफ सम, सम की जो वैल्यू डबल में है लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग में एक्सेप्ट होता है इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ओ, वैल्यू ऑफ का ओ कैपिटल रहता है ऑफ सम, यस तो ये सही है। तो अब ये डिस्प्ले हो जाएगा, चेक कर लेते हैं अपना प्रोग्राम रेडी है, इसको राइट क्लिक करके रन करेंगे, रन फाइल। कुछ टाइम वेट करना होता है हमने, तो ये अपना शॉपिंग कार्ट रेडी है, मैंने मोबाइल परचेज करना और लैपटॉप क्रिएट करना है, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो 50,000 हो गया, 15,000 प्लस 35,000, और साथ में मैंने स्मार्ट वॉच भी लेनी है तो ऐड कर देते हैं 52,500 टोटल पे करना होगा। मान लो लैपटॉप का प्लान कैंसिल हो गया तो कम हो गया, 17,500 बन गया, 15,000 अपना मोबाइल का और 2,500 हमारा स्मार्ट वॉच का। मान लो सभी आइटम्स परचेज करनी है तो टोटल बनता है 89,500 आई विल हैव टू पे। तो ये शॉपिंग कार्ट आपका रेडी है, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कैसे बनाने हैं, चेक बॉक्सेस कैसे लगाने हैं और उनको अपने एक्शन लिसनर कैसे करना है, इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।